दुनिया का सबसे बड़ा देवदार का दरख्त जम्मू कश्मीर के भद्रवाह फॉरेस्ट डिविजन में पाया गया, हेरिटेज साइट के तौर पर पेश किया जाएगा। डीएफओ भद्रवाह। भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के अहदेदारों ने दावा किया है कि जम्मू व कश्मीर के डोडा जिला के भलेसा रेंज की चांटी बाला पंचायत में 54 फीट तने और 35 फीट छाती का कतर वाला दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे कदीम देवदार का दरख्त मिला है और इसे हेरिटेज साइट करार देने का दावा कर रहे हैं। नाग के अकीदत मंदों के लिए बड़े बड़े दरख्त की मजहबी अहमियत और मकामी लोग सदियों से इसकी पूजा कर रहे हैं। घने मकरूती जंगल से घिरा हुआ नजर आने वाला मुख्तलिफ दरख्त इसके बहुत बड़े साइज की वजह से मकामी लोगों के लिए मजहबी अहमियत रखता है, क्योंकि वो इसे तकवा समझते हैं और वहां पूजा अदा करते हैं। सरपंच चांटी बाला संसार चंद ने बताया कि इस दरख्त की 11 पुश्तों से पूजा की जा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि जब किसी ने दरख्त को काटने की कोशिश की तो इससे खून और दूध जैसा स्याल बहना शुरू हो गया। इसके बाद से किसी ने दरख्त को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर ने बताया, इसका कतर 54 फीट है और इसकी छाती का साइज 35 फुट है। दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में इस नू में सबसे बड़ा है और ये सबसे कदीम भी मालूम होता है। डीएफओ ने मजीद कहा कि महकमा इसकी सही उम्र का हिसाब लगाने के लिए इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास भेजेगा और इसी दौरान इसे मुनफरिद साइज की वजह से हेरिटेज साइट के तौर पर करार दिया जाएगा। दरियासना पंचायत और मलहक्का इलाकों के मकीनों की कयादत में तीनों दर्जों के PRI मेम्बरान बशमूल सरपंच, BDC चेयरमैन अब्बास राथर और DDC मेंबर चंगा नदीम शरीफ न्याज ने हुकूमत से मुतालबा किया सरकारी तौर पर इस दरख्त को दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त करार देकर इस इलाके को सियाहत के नक्शे पर लाया जाए। DDC काउंसलर नदीम शरीफ ने दरख्त के इर्द गिर्द की जगह की खूबसूरती के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है, ताकि देखने वाले इस देवदार के दरख्त की खूबसूरती से लुत्फंदोज हो सकें। नाज़रीन इकराम, मैं पंचायत चांटी बाला में इस वक्त मौजूद हूं और ये भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न में इलाका पड़ता है और दुनिया का सबसे बड़ा सिडार ट्री यहां पाया गया है और ऐसा क्लेम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। हालांकि इसकी अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी भी बाकी है। तो इस पंचायत के जो हैं सरपंच मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिलीजियसली क्या इस पेड़ के साथ कोई कनेक्शन है, आखिर क्या महत्व है इस पेड़ का। सर, ये बताइएगा कि आपने अभी बताया कि काफ़ी सारी रिलीजियसली ये कनेक्टेड है, आपने पास्ट भी इसका बताया कि बैकग्राउंड में इसकी जो महत्वता रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ासकर आज पंचायत चांटी के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि इस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपनी सर्विस के दौरान भी मैंने भी कोशिश की थी इसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं ऐसा दरख्त हमने कहीं ना देखा था ना सुना था। एक्चुअली यहाँ पर हमारे एक नाग मंदिर है जिसके लिए ही बनी ही उसके नाम पर है, ये दरख्त इसी के नाम पर जाना जाता है और ये दरख्त इसका नाम जागराला गन है बाजाबता, जो हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ तकरीबन 11 पीढ़ियाँ गुजर गई और वो भी बताते हैं कि हमने ऐसा ही देखा है। अलबत्त इसकी महत्व इतनी है कि एक कहीं हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इसको काटने की किसी ने कोशिश की थी तो इस दरख्त से खून और पानी निकला है, उसके बाद इसको कोई टच नहीं कर सकता था और इसकी पूजा होती है। जब ये यात्राएँ हमारी असूज और कत्तक में आती हैं तो यहाँ पर चारों गांव की जो हमारी छड़ियाँ हैं यहाँ ठहरती हैं और यहाँ पर इसकी पूजा होती है, इसके बाद जाकर यात्रा होती है। तो हमें आज बड़ी खुशी हुई है कि
इस हमारे इस एक गरीब इलाके और बैकवर्ड इलाके का एक कोई चीज़ अपने टूरिस्ट पोटेंशियल पर चली जाए तो हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, मीडिया कर्मी वालों का, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और हमारे BDC DDC का, उन्होंने भी कहा कि हम इसको हाईलाइट करने के लिए इस पर यहाँ पर इसको खूब ब्यूटिफिकेशन के लिए हम फंड्स दे देंगे। तो हमें आज हमें आप मेरे पास अल्फाज नहीं आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक चीज़ बताइए, क्या अंदाज़ा है बुजुर्गों से, क्या सुना है आपने इस पेड़ के बारे में, कितनी उम्र हो सकती है इसकी, क्या कोई अंदाज़ा है आप? इसकी जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है तो इसकी एज जो है 1000 साल से ऊपरी हो सकती है या टचिंग 1000 हो सकती है, क्योंकि 11 पीढ़ी हमारी गुजर गई है और उन सभी से यही सुना है कि इसको जब देखा है इसी सूरत में देखा है, किसी पीढ़ी में समझो 10-11 साल पहले ये पीढ़ियों के कहीं किसी ने टच करने की इसको कोशिश की थी तो इससे खून और पानी दूध निकला और इसके बाद किसी ने इसको टच नहीं किया। यहाँ पर हमारे जो नाग मंदिर की महंता है, हर साल यहाँ यात्रा लगती है और इसी के नाम से ये देवदार इसको पवित्र माना गया, इसीलिए इसको टच नहीं कोई कर सकता। तो तब यही है कि कम से कम ये आप लोगों ने इसको हाईलाइट करके आगे गवर्नमेंट के नोट्स में भी आए कि एशिया में तकरीबन सबसे बड़ा दरख्त, अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये एशिया का हो सकता है सबसे बड़ा दरख्त, तो कम से कम टूरिस्ट पोटेंशियल पर आ जाएगा तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मकामी पंचायत के जो सरपंच हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 साल से ज़्यादा जो है इसकी उम्र हो सकती है, जैसा कि इन्होंने भी जो है बुज़ुर्गों से सुना है, और इसकी जो है एक अलग ही जो है महत्वता है इस पेड़ की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा देवदार का पेड़ माना जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए थे मुझे कल, ने फ़ोन किया था कि इसकी मेजरमेंट करनी है, तो यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग थे वो भी आए, हमारे सरपंच है यहाँ पे संसार चंद जी, ये भी आए थे, तो इसकी मेजरमेंट की है। जो इसका ट्रंक साइज़ है वो 50 फीट निकला है और जो इसका ब्रेस्ट साइज़ है एज़ पर इनका प्रोटोकॉल जो मेजरमेंट का होता है उस हिसाब से ये 35 फीट निकला है। तो जो डिपार्टमेंट ने मुझे बोला है कि पॉसिबली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड और पॉसिबली एशिया का सबसे बड़ा, तो अगर ऐसा है ये तो हमारे लिए एक हेरिटेज है, हमारे लिए एक एसेट है, ये हमारे टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक यात्रा भी आती है, बहुत ही पवित्र यात्रा आती है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तो अभी इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने उनको बोल दिया है कि 10 लाख रुपए में आपको ब्यूटिफिकेशन जैसे लाइटिंग वगैरह, फेंसिंग या बेंचेस वगैरह जो इनको यहाँ पे लगाने होंगे उसकी DPR वो तैयार करें, 10 लाख मैं उनको दे दूंगा। उसके अलावा गाँव वालों की यहाँ पर डिमांड है कि ये यात्रा निवास होना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं इनको बोल दूंगा DPR बनाने के लिए और वो भी मैं अप्रूव करूँगा ताकि यहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो जाए। जैसे हमारे लोग अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज़ में जाते हैं, तो उस दौरान ये देखा गया कि मुझे रिपोर्ट हुआ कि हमारे लोगों ने फॉरेस्ट के रिपोर्ट किया कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा देवदार ट्री है और वो एशिया का, इनका दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है, उसी को देखने के लिए हम लोगों ने बेसिकली यहाँ एक अपनी मैं खुद भी आया था और आज देखते हैं कि आप लोगों के साथ भी आए और लोकल के साथ भी आए, जो इसका डाया देखा गया है वो बेसिकली 50 के ऑलमोस्ट है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से अगर इसको मेजर किया जाए तो 35 फुट जो है वो है इसका जो डाया है। तो अगर इसमें अगर देखो इतना बड़ा महाकाय ट्री जो है ना हमने सुना है ना कहीं पे है, हालांकि जो उत्तराखंड है उसमें कुछ ट्रीज़ हैं जो बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में जो है वो इतना बड़ा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हेरिटेज ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इसको बनाया जाए, और हेरिटेज ट्री डिक्लेयर करवाने से जो हमारी सरकार है, जैसे आप जानते हैं कि जब वो इसको हेरिटेज ट्री बनाती है तो लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो है इस एरिया में आएंगे, हेरिटेज के लिए लोग जो है आज देखना चाहते हैं, आप देखें बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, एक लिविंग हेरिटेज है ये, इतना बड़ा ट्री जो है जो अपने में एक सदियों की कहानी इसके पास है, वो देखने के लिए वो सुनने के लिए लोग जो है यहाँ आ सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रही कि इसको हेरिटेज ट्री डिक्लेयर करवा के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कुछ और भी एक्टिविटीज़ करवाए, जिसमें लाइटनिंग का प्रोविज़न है और यहाँ पर फोटो जो इंटरप्रिटेशन नेचुरल इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि लोग यहाँ पे आए तो देवदार के बारे में उनको कहानियाँ बताई जाएँ लोकल्स के थ्रू, और इसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम ऐसा हो कि ये चारों तरफ से एक जगमगाए और दिखाई दे, और टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी।